हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मोम स्पेशल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चिली, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें है सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो ये बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं सोया चिली। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी सोयाबीन, गर्म पानी में भीगे और निचोड़े हुए, 3 से 4 बड़े प्याज लंबे लंबे कटे हुए, 4 शिमला मिर्च जिसे हमने लंबा लंबा काट लिया है। हमें चाहिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और इसमें डालेंगे प्याज। जब तक हमारे प्याज हल्के से लाल नहीं हो जाते तब तक हम इसे भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और इसे भी 1 से 2 मिनट तक ढककर नरम करने तक पकाएंगे। अब हम ढक्कन खोलकर चेक करेंगे कि हमारे शिमला मिर्च और प्याज नरम हुए या नहीं हुए। अभी इसमें थोड़ा सा कसर है तो हम इसे दोबारा से चला रहे हैं। बीच बीच में से चलाकर देखते रहिए, कहीं ये लगना नहीं। अब इसे हम 1 से 2 मिनट और ढककर रखेंगे ताकि ये और अच्छे से हो सके। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना ढक्कन खोलकर देखते हैं कि हमारे हो गए या नहीं। जी हाँ, हमारे शिमला मिर्च और प्याज नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये सब डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें टमाटो केचप और फिर से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे सोयाबीन और इसको चलाएंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि सारे मसाले सोयाबीन में मिक्स हो जाएं। हमारी सोया चिली तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारी डिश सर्व करने के लिए तैयार है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।